हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइटर बैच रैपिड रिवीजन सीरीज. मोस्ट अवेटेड टॉपिक्स ऑफ बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस. सो नाउ फोटोसिंथेसिस में वर्ड मीनिंग अगर हम देखें, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस प्रोडक्शन. अब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज अभी जब हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहां पर डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी था, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बट यहां इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. अब यहां पर ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स, हम जानते हैं, क्योंकि हम या फिर एनिमल्स की बात करें या फिर फंजाई की बात करें, All of us are heterotrophs. Heterotrophs मतलब कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड रिक्वायरमेंट के लिए. Have you ever wondered from where plants get their food? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need. Green plants को food का synthesis खुद करना पड़ता है, या फिर जो नरिशमेंट उन्हें चाहिए वो खाना उन्हें खुद बनाना पड़ता है. पर ये खाना कैसे बनता है ये हम देखने वाले हैं. द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन. यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड that the autotrophic nutrition is found only in plants and all other organisms that depend on the green plants for food are heterotrophs. अब एक चीज मैं बता दूं, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, वहां पर किंगडम प्लांटे के बारे में जो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वहां लिखा था पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, मतलब प्लांट किंगडम के मेंबर्स पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है. अब पार्शियल हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? दैट मींस इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक भी हो सकते हैं, जैसे कस्क्यूटा के बारे में हमने बात करा था. कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो खाना खुद बना तो सकते हैं, बट नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं. तो ये वर्ड याद रखना है हमको, पार्शियल हेटरोट्रॉप्स. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस अ फिजिको केमिकल. देखो ये याद रखना है, फिजिको केमिकल. फिजिको केमिकल का मतलब क्या है? फिजिको मीन्स व्हाट? फिजिको मतलब किसी फिजिकल एनर्जी का सोर्स, जैसे यहां पर क्या है, लाइट. केमिकल मतलब कोई केमिकल प्रोडक्ट बनता होगा, और यहां क्या बन रहा है, ग्लूकोज. सो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट. मतलब अगर हम देखें, सनलाइट इज द सोर्स फॉर टेम्परेचर एज वेल एज एनर्जी. मतलब दो चीजों का सोर्स कौन है? सन, sunlight for the energy. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on the earth. Photosynthesis is important. अब देखो यहां क्यों important है. पहला reason, it is the primary source of all food on the earth. Primary source, जितना भी food available है इस planet पे, उसका primary source क्या है? प्लांट का फोटोसिंथेसिस. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोस्फियर बाय ग्रीन प्लांट्स. दूसरी चीज, लाइफ सपोर्टर गैस कौन सी है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज कौन करवाता है? ग्रीन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो ये दो रीजंस हो गए फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है. हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन सोर्स ऑफ एनर्जी है. अगर ऑक्सीजन ना मिले तो रेस्पिरेशन के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, या फिर जो भी सबस्ट्रेट है वो टूटेगा नहीं. अगर सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी. ठीक. दिस चैप्टर फोकसेस
ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो आपको लाइट की एनर्जी को किसमें बदलना है, केमिकल एनर्जी में। नाउ व्हाट डू वी नो, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट वॉट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। आपने जूनियर क्लासेस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और तीसरा CO2 इज नेसेसरी। यहां पर इस पैराग्राफ में कुछ स्मॉल ब्रीफ अप दिया है, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट यू हैव डन इन द अर्लियर क्लासेस हैव शोन दैट क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, लाइट एंड CO2, ये तीनों दिए हैं, है ना। अब इसके लिए आपको एक चीज याद करना पड़ेगी, स्टार्च टेस्ट। स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ठीक है। देखो, आयोडीन सॉलिड का जो कलर होता है वो पर्पल या वॉयलेट कलर आप जानते हैं, बट यहां केमिकल एनालिसिस में आयोडीन का सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में। सो दिस इज येलोइश टू ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज होता है। अब क्या है, अगर आपने इसे किसी भी स्टार्च के सोर्स पे डाला जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो कलर आयोडीन सॉल्यूशन का हो जाएगा ब्लू ब्लैक, ये याद रखना है। कलर येलोइश ऑरेंज से किसमें टर्न हो गया, ब्लू ब्लैक। अब यहां पर बेटा पहला, अ वेरीगेटेड लीफ और अ लीफ दैट वॉज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर वॉज एक्सपोज टू लाइट। देखो वेरीगेटेड मतलब क्या होता है, कि जिसपे स्पॉट्स हो, या तो आपने वो पत्ती ली या दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने लिया जहां पर लीफ को आपने एक ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया। ठीक, तो अब अगर कोई ऐसी पत्ती है जिसके बीच वाले पोर्शन में आपने स्ट्रिप लगा दी, पॉटेड प्लांट लेना है, हाँ, और सनलाइट का एक्सपोजर दिलवाया, कुछ समय बाद इसे डिटैच कर दिया पेरेंट प्लांट से, अल्कोहल में बॉईल किया ताकि डीकलराइज हो सके। क्यों डीकलराइज किया, ताकि जब आप स्टार्च टेस्ट करोगे तो कलर में चेंज आपको आसानी से दिखेगा। नाउ ये होगा आपका ए, ये बी, ये सी। अभी तीन पार्ट्स है, यहां पर आपने कुछ समय बाद क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन। जब आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, देखो ए बी और सी इन तीनों रीजन्स में आपको क्या कलर दिखेगा। ए और सी क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, मतलब यहां पर सनलाइट प्रॉपरली पड़ रही है, तो ए और सी का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। क्यों हो जाएगा, बिकॉज यहां पर स्टार्च बनता है। पर देखो बी पे आपने स्ट्रिप लगा दी, अब ये स्ट्रिप के कारण से लाइट का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है इसे, और लाइट नहीं एक्सपोज्ड हो रही है, तो यहां पर आयोडीन सॉल्यूशन का कलर येलो का येलो रहा। ठीक, दूसरा, जब इस तरीके का एक्सपेरिमेंट आपने एक सेटअप को लेके किया जहां पर एक छोटी सी बोतल में KOH था, याद करो KOH, KOH क्या करता है, जब आप KOH की बात करेंगे तो KOH एब्जॉर्ब करता है CO2 को। ठीक है, तो अगर हमने उस सेटअप में से जहां पॉटेड प्लांट लगा है CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, तो प्लांट को CO2 नहीं मिल रहा। अगर CO2 नहीं मिलेगा देन नो फोटोसिंथेसिस, अगर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या स्टार्च बनेगा, नो स्टार्च। स्टार्च नहीं बना अगर, तो नो कलर चेंज, मतलब आयोडीन टेस्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब जो KOH का एक्सपेरिमेंट हमने यहां पर एक लाइन स्केच से देखा, उसी को आप NCERT क्या बोलती है, देखना बेटा। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट वेर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन, मतलब वो कॉटन लिया आपने जिसमें आप जिसको आपने KOH सॉल्यूशन में सोक किया। इसका काम क्या है, ये KOH क्या करता है, हमने देखा था एब्जॉर्ब करता है CO2 को, वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू द एयर। अब जो आधा पार्ट है उस लीफ का, उसको फ्री एक्सपोज किया आपने एयर में। दिस सेटअप इज देन प्लेस्ड इन द लाइट फॉर सम टाइम।
ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट्स यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट टेस्टेड पॉजिटिव. जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसने स्टार्च टेस्ट कैसा दिया, पॉजिटिव. और जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर था, मतलब जिस पार्ट को CO2 नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो CO2 कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, KOH, उसने स्टार्च टेस्ट कैसा दिया, नेगेटिव. मतलब कोई भी कलर चेंज आयोडीन सॉल्यूशन का नहीं हुआ. दिस शोज दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ जाए. इस सेटअप में आपको दिख रहा है एक जिसमें माइस जिंदा है, बर्निंग कैंडल. दूसरे सेटअप में आपको दिख रहा है कैंडल भी बुझ चुकी है और चूहा मर गया. तो ऐसा क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में, ये सारी चीजें नोट करी किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने. तो अब हम देखेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स दैट लेड टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, ये बेलजार एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रिस्टले इन द ईयर 1770, ये लाइन याद रखना, इन्होंने क्या किया, परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. क्या बताया इन्होंने, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स. साथ में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी, ईयर याद रखे 1774. प्रिस्टले ऑब्जर्व्ड दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार, सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, बुझ गई. क्यों, देखना. सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज्ड स्पेस. जैसे कैंडल बुझी, CO2 रिलीज हुई, अब ये जो CO2 निकली या कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, इसके कारण से सफोकेशन हुआ, किसको, चूहे को, और चूहा मर गया. क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई सोर्स नहीं था जो उस एयर को प्यूरिफाई कर सके. ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ Somehow damages the air. Air को खराब किया, air quality को बिगाड़ दिया. But when he placed a mint plant, mint कैसा है अपना, shade loving plant. Mint is shade loving plant. ठीक है. Now, जब mint plant को रखा गया same bell jar में, he found that the mouse stayed alive. चूहा जिंदा रहा और candle भी जलती रही. प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग माउस या फिर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव. मतलब ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स जिस एयर को रिमूव कर देते हैं सेटअप में से, उसको फिर से वापस कौन ले आया, प्लांट. और वो प्लांट यहां पर कौन सा था, मिंट प्लांट. ठीक है, तो ये था प्रिस्टले का कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ कैन यू इमेजिन, प्रिस्टले वुड हैव कंक्लूडेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट. रिमेंबर ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज. हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन थिंक टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप. अच्छा, मतलब आपको सेटअप को डिस्टर्ब किए बिना मोमबत्ती जलानी है, क्या करेंगे, जादू होता है कुछ नहीं. आप यहां पर यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंसेस. कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस की मदद से, कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, सनलाइट को कन्वर्ज करेगा किस पे, कैंडल की विक पे. विक मतलब बत्ती है ना, और कैंडल जलेगी. दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं मैग्नीफाइंग लेंस. मैग्नीफाइंग लेंस जिससे आप सनलाइट को फोकस कर सकते हैं कहां पर, कैंडल की विक पर. तीसरा तरीका इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब हमने उस सेटअप के अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क का अरेंजमेंट रखा जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से स्पार्क होगा और उस स्पार्क से कैंडल जल जाएगी. तो आपने पूरा सेटअप डिस्टर्ब नहीं किया, ये सारे अरेंजमेंट आपने पहले से रखे थे.
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ जाएं हम। नाउ यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्ले, अब दूसरे साइंटिस्ट आ जाएंगे कौन, इंगेन हाउस, बट बाय प्लेसिंग वंस इन द डार्क एंड वंस इन द सनलाइट। मतलब अब क्या किया, अभी प्रिस्ले ने क्या बताया था, एयर का इंपॉर्टेंस, बट अब जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया सनलाइट का इंपॉर्टेंस। शोड दैट सनलाइट इज इसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस, somehow purifies the air found by burning candles। मतलब अगर लाइट नहीं गिरेगी, अगर लाइट नहीं पड़ती, तो लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होता क्या, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो वो मिंट प्लांट वॉज अनेबल टू रिस्टोर द एयर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो ही नहीं पाती। तो यहां पर इंडियन हाउस ने यही बताया कि सनलाइट इज नेसेसरी। यहां पर देखो आप, सनलाइट स्मॉल बबल्स कहां मिले, सिर्फ लाइटेड पोर्शन में, ये याद रखना, लाइट वाले पोर्शन में आपको मिले O2 के बबल्स, जहां पर ज्यादा O2 के बबल्स मतलब वहां पर ज्यादा क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। पर डार्क कंडीशन में O2 मिलेगा क्या, नहीं, डार्क में नो O2 रिलीज, That means no photosynthesis। ठीक है बेटा, इन्होंने जो प्लांट यूज किया था ना इंडियन हाउस ने, वो था हाइड्रिला, एक्वेटिक प्लांट, यहां दिया नहीं है, ठीक, एक्वेटिक प्लांट दिया है बस, और वो एक्चुअल में क्या था, हाइड्रिला। आगे बढ़ जाए तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी हो गया हमारा। थर्ड एक्सपेरिमेंट, अब देखो हवा की बात हो गई, लाइट की बात हो गई, अब खाना देख लें कि क्या बन रहा है, केमिकल नेचर। इट वॉज एंटिल अबाउट 1854 दैट द जूलियस वॉन सैक, सैक से याद रखना, सैक मतलब सैकराइड। इन्होंने किसके बारे में बताया, सैक मतलब सैकराइड नहीं है, ये तो इनके नाम का पार्ट है, सैकराइड याद करने का तरीका है। तो सैकराइड मतलब, इन्होंने ये बताया कि सबसे पहला विजिबल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है प्लांट के बारे में। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज और स्टोर करते हैं स्टार्च, है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट के ही तीन अलग अलग फॉर्म्स आपको यहां दिखेंगे। सो वॉन सैक ने क्या बताया, ही प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट्स ग्रो। मतलब ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और सबसे पहला जो विजिबल प्रोडक्ट मिला था फोटोसिंथेसिस का वो क्या था, ग्लूकोज। हिज लेटेस्ट स्टडी शोड दैट ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट, जिसे आप क्लोरोफिल अभी बोलते हैं, इज लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडीज। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया नाम क्या था, अब हम बोलते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट, लोकेटेड विद इन द प्लांट सेल। ही फाउंड दैट ग्रीन प्लांट्स ग्रीन पार्ट्स इन द प्लांट्स इज वेयर द ग्लूकोज इज मेड। मतलब ये समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस कहां होता होगा, ग्रीन पार्ट्स में। अब ग्रीन पार्ट्स सिर्फ पत्तियां हैं क्या, नहीं, अभी हम देखेंगे एक अगला टॉपिक जो साइट वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, वहां पर हम देखेंगे कि कहां कहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स डन बाय इंगेलमैन। अब ये तो हो गया किसकी बात, तीन साइंटिस्ट पढ़ चुके हो आप, किसके बारे में, प्रिस्ले जिन्होंने एयर के बारे में बताया, इंडियन हाउस जिन्होंने सनलाइट के बारे में बताया, और तीसरा वॉन्सैक जिन्होंने ग्लूकोज के बारे में बताया। अब देखते हैं इंगेलमैन, इंगेलमैन ने यूज किया प्रिज्म और व्हाइट लाइट को स्प्लिट करा। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया, तो आप क्या बोलेंगे, TW इंगेलमैन। इन्होंने किस एल्गी पे यूज किया, इन्होंने यूज किया ग्रीन एल्गा,
याद कर सकते हो आप, मैंने जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया था, ग्रीन एल्गी पढ़ाया था, उस ग्रीन एल्गी में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, हरे भरे खेत में कार एसयूवी, और वो जो कार थी ना, वो कार मतलब चार चार सी वाले एल्गी मैंने याद कराए थे, उसमें से एक था क्लेडोफोरा। और वहां क्यों बताया मैंने क्लेडोफोरा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में इस टॉपिक में आता है ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लेडोफोरा कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्लेडोफोरा placed in suspension of aerobic bacteria. Aerobic bacteria का मतलब क्या होता है, ऐसे bacterias जो वहां पर एक्टिव रहेंगे जहां ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब इन्हें ऑक्सीजन रिच कंडीशन पसंद आएगी। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, मतलब जिस जगह पर आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, आपको समझ में आ गया कि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of, कहां देखो, हाँ, ब्लू एंड रेड, मतलब हमको एक चीज समझ में आ रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया कहां इकट्ठा हो रहे हैं, रेड एंड ब्लू रीजन की लाइट पर। अ फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाज दस described. It resembled roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B. और ये जो action spectrum था, ये absorption spectrum की तरह दिख रहा था। अब ये action और absorption में difference क्या है, ये हम अभी graphically देखने वाले हैं, ठीक बेटा। Now इसके बाद आ जाते हैं, by the middle of the 19th century, the key features of the plant फोटोसिंथेसिस वर नोन, मतलब आपको अब तक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है फोटोसिंथेसिस के वो पता चल चुके हैं। द एम्पेरिकल इक्वेशन, देखो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर इक्वेशन दोनों अलग होती है ना, एम्पेरिकल मतलब एक्चुअल इक्वेशन जिसमें आपने बैलेंसिंग नहीं करी है, स्टोइकियोमेट्री बैलेंस नहीं किया है। द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म क्या है, CO2 प्लस वाटर लाइट के प्रेजेंस में, और एक चीज और है, क्लोरोफिल भी होगा बेटा, क्या बनाएगा ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CH2O, होल एन लग जाएगा एन टाइम्स, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हुआ, पर यहां पर कुछ करेक्शन फैक्टर लगेगा, देखिए अब आगे। CH2O रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट जो कि अपन क्या देखते हैं, ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग। A milestone contribution to the understanding of photosynthesis किसने किया, Van Niel, Niel मतलब क्या रखना, नील, नीला होता है ना, नीला क्या है, पानी, water, मतलब Van Niel का experiment किससे related होगा, water से related, who based on his studies on purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially a light dependent reaction. तो अगर क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये किस साइंटिस्ट ने बोला था या एक्सप्लेन किया इसके बारे में, तो बच्चे लगा सकते हैं इसमें आंसर इंडियन हाउस, क्योंकि हमने इंडियन हाउस में पढ़ा था सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बट दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है, वहां पर डार्क रीजन्स और लाइट रीजन में स्टडी हुआ था, यहां पर लाइट के कारण से वाटर का स्प्लिटिंग देखा गया है, मतलब अगर लाइट नहीं होती तो पानी टूटता नहीं, और पानी टूटेगा नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, तो दोनों चीजें अलग अलग है। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस, ये किसने बोला, Van Niel ने, ठीक। इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सन सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में CO2 जो रहेगी वो क्या होगी, रिड्यूस होके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और वॉटर के टूटने से क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर के टूटने से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाटर टूटेगा कैसे, सनलाइट एच न्यू, है ना, ये देखो इक्वेशन दी ना, ये इक्वेशन जो दे रहा है वो बता रहा है आपको
यहाँ पर लिया ए, है ना, अभी H2O नहीं बोलना है, ये H2A कोई कंपाउंड है, CO2 लाइट। अब यहाँ दो एटम्स मिले, ये आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, ये पानी निकल गया। मतलब ये समझ में आया आपको कि जो कंपाउंड आपने हाइड्रोजन के साथ यहां लिया उसी के टूटने से ये एलिमेंट मिला होगा आपको। अब देखिए, इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। मतलब अब जिस भी चीज से, सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकलेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये आप जानते हैं। व्हेन H2S इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर और सल्फेट। मतलब अगर हम पानी का यूज नहीं करते, हम तो पानी लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स भी पानी का यूज करते हैं, बट ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया की बात करें तो वो H2S का यूज करते हैं, तब देखें क्या ऑक्सीजन निकला। तो यहां पर सल्फेट कंपाउंड बन गया एंड डिड नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं निकला भैया। हेंस ही इन्फर्ड दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O। तो ये समझ में आ गया कि जो ऑक्सीजन निकली है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा वो कहां से निकली है, वॉटर के थ्रू। दिस वॉज लेटर प्रोवाइडेड प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। मतलब यहां पर रेडियो आइसोटोप्स यूज करे थे, किसके रेडियो आइसोटोप्स यूज करे थे यहां पर, ऑक्सीजन के। ठीक है, नाउ अब इस इक्वेशन को देखो, ये फाइनल करेक्ट इक्वेशन है, याद आ रही है क्या? इसके पहले हम बुक्स में कुछ एक इक्वेशन देखते थे जहां पर, मैं लिख देती हूँ वो पुरानी इक्वेशन क्या थी, CO2 प्लस 6H2O लाइट और क्लोरोफिल, 6C6H12O6 प्लस 6O2, है ना, इधर भी वॉटर नहीं रहता था। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? हाँ बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। फिर गलती क्या थी जो आपको नई इक्वेशन लाना पड़ी? सुनो इधर, यहां ये ऑक्सीजन कितने एटम्स है, 6 to 12 ऑक्सीजन एटम्स। आपने ये सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है, CO2 से, बिल्कुल नहीं, पानी के टूटने से। तो इसका मतलब पानी में भी उतने ऑक्सीजन के एटम्स होना चाहिए जितने आपको प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं। देखिए पानी में क्या, इससे लेना देना नहीं है कुछ, हाँ ऑक्सीजन का। यहां पर वाटर में है 6 ऑक्सीजन एटम, अब आप बना रहे हो 12 ऑक्सीजन एटम, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसीलिए करेक्ट इक्वेशन है अब ये वाली, ये थी ओल्ड, ये है न्यू करेक्ट वर्जन, 12 ऑक्सीजन एटम्स और 12 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट द ग्लूकोज, द ऑक्सीजन रिलीज्ड इज फ्रॉम वाटर। This was proved using radioisotopes techniques. ठीक है, तो ये इक्वेशन अब फाइनल करेक्टेड इक्वेशन है हमारी। Now, अब फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में एक चीज ध्यान रखें, that this is not a single, कोई एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन नहीं है, but description of a multi-step प्रोसेस। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में एक स्टेप नहीं, बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? मतलब आपको यहां पर बताना है साइट, फोटोसिंथेसिस की साइट। अब फोटोसिंथेसिस की साइट में आप अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ग्रीन पार्ट्स, प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होंगे, उन ग्रीन प्लांट पार्ट्स में टिश्यू होती है मीजोफिल, है ना, मेनली ये मीजोफिल कहां होती है बेटा, लीफ में। अब अगर हम बात करें, इसमें होगा आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है विच इज केपेबल ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर पकड़ने के लिए, किसको, लाइट को। यू वुड हैव आंसर इन द ग्रीन लीफ,
मालूम पड़ गया हमको, और इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट यू स्टडीड अर्लियर, हमने अभी यही आंसर किया, यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहां दिए हैं क्या वो पार्ट्स? नहीं, आपको नाम देना है, तो इसका मतलब ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जहां फोटोसिंथेसिस होगा अदर देन लीफ, तो वो नाम है ग्रीन स्टेम। कुछ कंडीशंस में स्टेम मॉडिफाई हो जाती है, जैसे कि कैक्टस ओपेंशिया हम बात करें, फाइलोक्लेट, जिसमें ग्रीन स्टेम मॉडिफाई हो गई और फोटोसिंथेसिस करने लगी। क्यों करने लगी? बिकॉज इन प्लांट्स के पास लीव्स रिड्यूस्ड होके स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन वाटर लॉसेस, ठीक है, तो यहां पर फाइलोक्लेट हो गया। दूसरी चीज पीटीओल, जानते हो आप पीटीओल? पीटीओल क्या है? ऐसी स्टॉक जिससे पत्ती या लीफ अटैच्ड है ब्रांच से या स्टॉक से, तो यहां पर ये पीटीओल भी हरी होती है, तो यहां भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। सो ग्रीन स्टेम फाइलोक्लेट बोल सकते हो, जो मेनली किसमें मिल रहा है, हर में घर ग्रीन स्टेम को फाइलोक्लेट नहीं बोलते हैं। फाइलोक्लेट किसको बोला आपने? ओपेंशिया, ओपेंशिया या कैक्टस बोल दें अपन, ठीक है। और पीटीओल तो आपको सभी पौधों में मिलता है, मेनली पीटीओल किसमें मिल रहे हैं? डाइकॉट्स में, पीटीओल ऑफ डाइकॉट्स, ठीक है। नाउ यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम देख चुके हैं, अभी बात कर चुके हैं। यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स। अब देखो क्लोरो प्लास्ट का अलाइनमेंट क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट अगर ज्यादा धूप में रहे तो जल जाएंगे, कम धूप में रहे तो एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, ये मेसोफिल है, लो लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हो गए, अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तब क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से हो गए ताकि फोटो ऑक्सीडेशन या जलने से बच जाते हैं। क्लियर है? नाउ बेटा आगे देख ले हम। यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देखो यहां क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, ठीक है। अब इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट्स है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है और एक है स्ट्रोमा। तो अब मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या है? पहली चीज तो बेटा थाइलेकॉइड्स। अब थाइलेकॉइड क्या है? ये तो पूरा जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, जब कॉइल्स के ढेर जैसा, हीप ऑफ कॉइल्स, थाइलेकॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये थाइलेकॉइड हीप ऑफ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाता है तब उसे हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। तो एक जो स्ट्रक्चर है ना इसका, एक डिस्क जिसको बोलते हैं दिस वन, ये क्या है? थाइलेकॉइड। ठीक, अब इन ग्रेनास के बीच में आपको दिख रहा है एक कनेक्शन जिसको बोला आपने स्ट्रोमा लेमिली, इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं इसको? इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स। देखो ना, दो ग्रेना के बीच में ये आ रहा है, सो स्ट्रोमा लेमिली क्या है? इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स। फिर यहां पर आपको दिख रहा है मैट्रिक्स जिसको आपने स्ट्रोमा बोला, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कौन से प्रकार के होंगे यहां पर? 70s, ठीक, स्टार्च ग्रेन्यूल, लिपिड, ड्रॉपलेट्स। अब यहां पर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है? दिस कैन बी कंसिडर्ड एज जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल मतलब राइबोसोम्स खुद के हैं, जेनेटिक मटीरियल भी खुद का होता है तभी ये सेमी ऑटोनोमस है। ये फीचर किससे
सिमिलर है, किससे मैच करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा ही फीचर होता है, खुद के राइबोसोम्स है और खुद का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख ले, डायग्राम तो हमने देख लिया बेटा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, सो विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेनस सिस्टम। देखो अभी मैंने बोला ना, पहला मेम्ब्रेनस पार्ट है जिसमें ग्रेना है और स्ट्रोमा लैमेली और मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स की बात करें उसे आप क्या बोलते हैं, यहां स्ट्रोमा। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। क्यों मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, यहां अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, काम को डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। मेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है बेटा, सनलाइट को ट्रैप करना, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। या एनएडीपीएच बोल दें, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस बोल दें, या एनएडीपीएच टू बोल दें। ठीक है, द फॉर्मल सेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मल मतलब पहले वाले रिएक्शन, सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, अभी एक फ्लो चार्ट बना लेंगे जिसमें अपन लिख लेंगे मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या आता है और उस मेम्ब्रेनस पार्ट में कौन से रिएक्शन होते हैं। अगर आपको सेल बायोलॉजी में मेरा प्लास्टिड वाला लेक्चर याद है, वहां पर मैंने क्लोरोप्लास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे अच्छे तरीके से बाइफरकेट करके एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पर अब याद, हमारा काम है आपको याद दिलाना और आपका काम है भूलना, दोनों ही अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, है ना। नाउ द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, मतलब पहला तो हो गया लाइट रिएक्शन, दूसरा हो गया ऐसा रिएक्शन जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है और वो खाना भी बनाता है, तो इसे हमने बोल दिया डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरे में होने वाला रिएक्शन नहीं है, डार्क रिएक्शन मतलब लाइट का प्रेजेंस जरूरी नहीं है इसको। हाउएवर इट दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रीब्यूट टू मीन दैट दे ऑकर इन डार्कनेस, है ना, वही बात करी हमने। तो अब आगे देख लें, देखो अब पिगमेंट्स पढ़ने से पहले, अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में वो एक फ्लोचार्ट देख लें। क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट कौन से हैं, एक है मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट है मेम्ब्रेनस, सेकेंड पार्ट है स्ट्रोमा। मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या आ जाता है, ग्रेना, दूसरा आ गया आपका स्ट्रोमा लैमेली। ठीक, इसका एक सिंगल क्या हो जाएगा, थायलेकॉइड। स्ट्रोमा में बात करें तो अब स्ट्रोमा के अंदर ऐसा कुछ होगा जिसके कारण से लाइट रिएक्शन नहीं हो पा रहा, मतलब ये बोलते हैं हम अलग से कर ले सेंटेंस को, स्ट्रोमा के अंदर ऐसा कोई चीज एब्सेंट है जिसके कारण लाइट रिएक्शन नहीं हो पाता, मतलब थायलेकॉइड में ऐसी कोई चीज प्रेजेंट होगी। हाँ, वो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ है, मेम्ब्रेनस पार्ट में, और इसी के कारण से यहां पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन, और इसी लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी एनर्जी को यूज करता है कौन, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हो रहा है डार्क रिएक्शन, इसे हम कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज यहां ग्लूकोज जो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट है बनता है। ये क्या कर रहे हैं, दिस यूजेस एटीपी और एनएडीपीएच और क्या बनाता है, प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इनऑर्गेनिक का यूज करके
ऑर्गेनिक बनाया। तो ये था आपका ब्रीफअप अभी जो हमने पैराग्राफ में देखा। ठीक, नाउ अब बात करें हम पिगमेंट्स की। पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स की डेफिनेशन एनसीईआरटी देती है ना। तो पहले पिगमेंट्स की डेफिनेशन देखें और फिर देखें कि उसको सेपरेट कैसे किया होगा। ठीक, तो अंडरलाइन कर ले बेटा पहले पिगमेंट की डेफिनेशन को, है ना। ये डेफिनेशन पहले देना थी बट बाद में दी है। ये देखो, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। याद रखना है स्पेसिफिक वेवलेंथ। कोई भी पिगमेंट किसी भी लाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्सॉर्ब करती है। ठीक, अब आ जाते हैं पहले कि ये पिगमेंट्स को सेपरेट आपने किस टेक्निक से किया होगा, है ना, और कितने प्रकार के पिगमेंट हम जानते हैं। लुकिंग एट दी प्लांट्स, देखो आप जब प्लांट को देखते हो क्या सेम कलर के प्लांट्स आपको आसपास दिखते हैं? नहीं, कलर डिफरेंसेस, शेड्स में डिफरेंसेस आपको दिखाई देता है। नाउ लुकिंग एट द प्लांट्स यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ द ग्रीन इन देयर लीव्स। वी कैन लुक एन आंसर इन टू द क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स। अब लीफ पिगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक अगर पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे? पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक, a chromatographic separation of the leaf pigments shows that the color that we see in the leaves is not due to a single pigment. ek single pigment ke karan se nahi hai ye color but due to the four pigments. ab wo charo pigment yaad karni hai, charo pigment ke color yaad karne. theek, confusion hota hai bahut. chlorophyll a kya hai? bright or blue green. क्रोमेटोग्राम में जो दिखा वो दिखा रहे हैं आपको और वो बता रहे हैं। क्लोरोफिल बी में येलो ग्रीन। जेंथोफिल्स का कलर कैसा है बेटा? येलो। कैरोटीनॉइड्स का कलर कैसा है? येलो टू येलो ऑरेंज। मतलब यहां पर जो पिगमेंट्स है ये पिगमेंट्स दो प्रकार के हैं। ठीक है, पिगमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के पिगमेंट, दो टाइप के प्राइमरी पिगमेंट्स और सेकेंडरी पिगमेंट। ठीक है, अब अगर हम प्राइमरी पिगमेंट की बात करें तो प्राइमरी पिगमेंट में आता है सिर्फ क्लोरोफिल ए, सिर्फ क्लोरोफिल ए, है ना। सेकेंडरी पिगमेंट में आते हैं क्लोरोफिल बी और कैरोटीन। कैरोटीन में क्या आता है? दो, देखो एनसीईआरटी ने दे रखा है, एक आ जाएगा जेंथोफिल और एक आ जाएगा कैरोटीनॉइड्स, है ना। सो कैरोटीन में दो आ गए आपके, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये कलर आपको याद रखना है कौन सा ब्राइट ब्लू ग्रीन है या फिर कौन सा येलो ग्रीन है या कौन सा येलो है या कौन सा येलो टू येलो ऑरेंज है। अब जो पहला ग्राफ आपको दे रखा है, ये पहला ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो पहली चीज तो ये याद रखना है, ये नीचे क्या दे रखा है? वेवलेंथ, है ना। तो ये जो रीजन है लैम्डा, दिस इज वेवलेंथ। वेवलेंथ किस रेंज की दे रखी है? 400 से 700, 700 नैनोमीटर्स, मतलब व्हाइट लाइट का आपको दे रखा है कंपोनेंट। अब इस व्हाइट लाइट के कंपोनेंट में देखो पीक, हाँ पीक देखना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये। एब्जॉर्प्शन मतलब किस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करा है, तो जाहिर सी बात है उस रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस मिलेगा। पहले देख ले प्राइमरी का, क्लोरोफिल ए का पीक कहां दिख रहा है आपको? ये देखो, ये वाला रीजन कौन सा रहता है बेटा? ब्लू रीजन। हा, ये कौन सा है? रेड। तो ब्लू रीजन में आपको किसका ज्यादा दिख रहा है पीक? क्लोरोफिल ए का। अब इसी क्लोरोफिल ए का रेड में देख ले, यहां पर ये देखो ये रहा पीक। तो एक तो ये और एक ये, इसका मतलब अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की तो इसके दो पीक मिले। कैसे? रेड वाले रीजन में भी और ब्लू रीजन में। पर रेड और ब्लू में से ज्यादा बड़ा पीक कहां पर दिख रहा है उसका? ब्लू रीजन में, पहली बात। दूसरा, अगर आप कंपेयर करो अब क्लोरोफिल बी को देखो, हाँ इंडिविजुअल, तो क्लोरोफिल बी के भी दो पीक मिल रहे हैं, एक ब्लू में एक रेड में। इसका भी पीक कहां पर ज्यादा है? ब्लू में।
एज कम्पेयर टू रेड। मतलब हमें ये समझ में आया, चाहे वो प्राइमरी पिगमेंट है चाहे वो सेकेंडरी पिगमेंट है, रेड और ब्लू रीजन को कंपेयर करो तो ब्लू में पीक हमेशा बड़ा होगा। ये समझ में आ गया, इंडिविजुअल बात करें, पर कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करते हैं क्लोरोफिल बी को क्लोरोफिल ए से, तो दोनों कंडीशन में से, बी से ब्लू याद रखना हा, दोनों में से अगर कंपेयर करें तो ब्लू रीजन में किसका पीक ज्यादा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू रीजन में किसका पीक ज्यादा है, तो क्लोरोफिल बी का पीक बड़ा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये चीज याद रखें। और इंडिविजुअली तो रेड से कंपैरिजन में ब्लू ज्यादा ही होता है। हाँ, अगर पूछा जाए दोनों को कंपेयर करके बताओ कि किसका पीक रेड में ज्यादा है, तो देखो यार, एक बार आपने बी को खुश कर दिया, एक बार ए को खुश कर दो, तो ए का देखो पीक, अगर आप ए का पीक देखोगे तो ए वाला पीक, ये रहा ए का पीक है ना, ये बी वाले पीक से, ये बी है ना, बी के पीक से रेड रीजन में ज्यादा है। तो टॉपिक कंफ्यूजिंग है, क्या समझाया मैंने अभी, फिर से एक बार देखना ग्राफ को और सुनना मेरी आवाज को। यहां पर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, किस वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हुआ है। इंडिविजुअली अगर क्लोरोफिल ए का कर्व देखोगे, इंडिविजुअली दो पीक मिले, अब उन दो पीक में से ज्यादा बड़ा पीक किस में है, ब्लू में। अगर क्लोरोफिल बी का देखोगे इंडिविजुअली, तो ज्यादा बड़ा पीक किस में है, ब्लू में, है ना, ये चीज क्लियर है। पर अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, और दोनों को कंपैरिजन करने के बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्लू रीजन में किस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, तो आंसर क्या होगा, बी से ब्लू। मतलब क्लोरोफिल बी का पीक ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए से ज्यादा है। रेड में उल्टा कर दो, रेड रीजन में क्लोरोफिल ए का पीक बी से ज्यादा है। एक बार ब्लू रीजन में आपने बढ़ा दिया, एक बार रेड रीजन में आपने बढ़ा दिया। अब आते हैं कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स तो आपको अलग से ही पहचान में आ रहे हैं, ये ब्रॉड मिल रहा है, इसका नैरो पीक नहीं है। ये कौन सा पीक मिल रहा है आपको, ब्रॉड, और ये एंड हो गया है यहीं पर। ठीक, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे बढ़ जाए हम, एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी, मतलब कुछ एक्शन हुआ, तो वो एक्शन आपने कैसे देखा, एक्शन स्पेक्ट्रम से। तो अब देखो ये सेकंड वाला ग्राफ है एक्शन स्पेक्ट्रम, ये वापस से क्या है, वेवलेंथ, वही है पिप की ओर। तो यहां पर आपको ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है, इसका कर्व याद रखना है आपको। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम में भी आपको दो पीक दिख रहे हैं, नंबर वन नंबर टू। मतलब समझ में आ गया कि रेड और ब्लू रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, तभी तो रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज रेड, ये रेड, रेड और ब्लू रीजन में ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या करो, दोनों पढ़ लिया तो दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर लो, मतलब ओवरलैप कर दो। तो अब इस डायग्राम में देखो, इस ग्राफ में देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लैक वाली लाइन बता रही और ब्लू बता रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्लोरोफिल ए का है। ऐसा कहीं लिखा है, यहां तो नहीं लिखा, कंटेंट में लिखा है, अभी मैं मार्क करा दूंगी आपको। ठीक है, तो अब जब आप बात करते हो तो ये ओवरलैप हो रहा है, याद रखना किसका ओवरलैपिंग है। सुनो, यहां पर देखना, एनसीईआरटी लिखती है दिस थर्ड ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, लिखा है ना, क्लोरोफिल ए। तो पहले जो नीचे ग्राफ है वो क्लोरोफिल ए का है, अरे पहले एब्जॉर्प्शन होगा उसी के बाद तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो मतलब ये वाला जो स्पेक्ट्रा है ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, एब्जॉर्प्शन, ये वाला स्पेक्ट्रा क्या है, एक्शन, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज का रेट। ठीक है, कंटेंट देख ले, अब यहां से ग्राफ तो हमने समझ लिया, पिगमेंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नाउ अब
नाउ लुक एट द फिगर, हम देख चुके हैं ऑलरेडी वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन द प्लांट. देखा है हमने रेड और ब्लू रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस. कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए दैट इज ब्लू एंड रेड बोल दिया है ऑल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार मार्क कर लेना ये पॉइंट को. जिस रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा जाहिर सी बात है उसी रीजन में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब O2 रिलीज होगा. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस. ठीक, ये चीज आपने देख ली. नाउ अब ये सेकेंडरी पिगमेंट कर करके हम गाना तो गा रहे हैं, पर ये सेकेंडरी पिगमेंट का रोल क्या है? एनसीईआरटी लिखती है, दीज ग्राफ्स टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. सम फोटोसिंथेसिस डस टेक्स प्लेस इन द अदर वेवलेंथ. हाँ, क्यों? क्योंकि दूसरे पिगमेंट भी है. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट, दूसरी थाइलेकोइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सेकेंडरी पिगमेंट्स है वो कहाँ है? अरे जहां प्राइमरी पिगमेंट्स है वहीं सेकेंडरी पिगमेंट्स भी है, तो कहां पर है? थाइलेकोइड्स में. विच आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए. मतलब क्लोरोफिल ए बीच में बैठा है, उसके आसपास सारे सेकेंडरी पिगमेंट्स हैं. सेकेंडरी पिगमेंट्स वेरिएबल लेंथ या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वेवलेंथ की एनर्जी को कहां देते हैं? क्लोरोफिल ए तक. दूसरा काम है क्लोरोफिल ए को बचाते हैं जलने से. जलने से मतलब फोटो ऑक्सीडेशन से. दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. मतलब क्लोरोफिल ए को जलने से बचाते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जर्नी स्टार्ट हुई, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए, फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन करेक्टेड फॉर्म में क्या थी, साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, जहां जिस जगह पर फोटोसिंथेसिस होगा उसका स्ट्रक्चर हमने देखा, और लास्ट में हमने पिगमेंट्स देखे. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे अबाउट लाइट रिएक्शन. थैंक यू सो मच.